सुबह सुबह बैग में ऑफिस में रुकवा दे। तुम ऐसे नहीं जाओगे। 24 घंटे से मंगल ने तुम्हारे लिए निर्जल व्रत रखा है और तुम होके ऐसे बेपरवाह की तरह निकल गए। अरे उसका व्रत तो खुलवाओ। जाओ क्या कर रहे हो? सदा सुहागन। चलो आप पानी भी पिलाओ। इनको अच्छा फ्रूट्स भी लेकर आओ, वो भी अभी खिला देगा। हेलो, हाँ हाँ, तुम सनशाइन बेस कैफे पहुंचो, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। आदित्य की मीटिंग तो ऑफिस में है, तो सनशाइन बेस कैफे क्यों जा रहा है? आदित्य जी कहाँ गए? अम्मा आदित्य जी वो अम्मा कहाँ जा रही है? बेटा बस हम अभी आए। कुसुम को हुआ आदित्य पे शक। वेल, दरअसल हुआ यू कि आदित्य को ऑफिस जाने की जल्दी होती है। ऐसे में कुसुम उसे कहती है कि मंगल ने कल रात से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है और उसने आदित्य के लिए उपवास रखा है, इसलिए आदित्य का फर्ज बनता है कि वो मंगल का व्रत अपने हाथों से तोड़े। आदित्य कुसुम की बात मानकर मंगल को अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका उपवास पूरा करता है, जिसके बाद कुसुम और मंगल दोनों खुश हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आदित्य को सौम्या का कॉल आता है, जहां आदित्य उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। कुसुम आदित्य की सारी बातें सुन लेती है और उसे आदित्य पे शक होने लगता है। अम्मा, आप कहाँ रह रही हैं? बेटा हम अभी आए। पर आपने तो व्रत भी खोला है। बेटा व्रत खोलने से भी कुछ जरूरी डैडी सब, बेटा व्रत खोलने से भी ज्यादा जरूरी कुछ और था जो हमें कर रहे हैं। हम अभी आए। पांच फ्रीज ऐसी कर बंद हो गई, 15 के प्लेस में फ्रीज चार्ज डिफ्रीज कंटिन्यू हेलो दीदी आप कैसी हैं? व्रत खोल दिया आपने? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ व्रत खोलने वाले हैं तुमने? बस अभी जा ही रही हूँ खोलने, सोचा आपसे बात कर लूँ। दीपिका से पता चला कि आपने सोमा जी को निकाल दिया है। पापा रेडी हो? बहुत सही किया आपने दीदी, वो तो आकर आपने सही किया बिल्कुल, और उनके रहते ना बुरा ही बुरा हो रहा था आपका, हमेशा खटका रहता था मुझे भी। अच्छा हुआ आंटी ने आपको सपोर्ट किया। लक्ष्मी मुझे तो कुछ जरूरी काम है, उसे खत्म करके मैं तुझे फोन करती हूँ। हाँ हाँ दीदी ठीक है बिल्कुल। बेटा तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अदित भी नजर नहीं आ रहा। पता नहीं पापा अचानक से चली गई। मैंने अच्छा भी मैं उनको फोन करती हूँ। सोना बना बेटा।